एक्सपेंडिचर्स आपके होने लगते हैं, बहुत सारे खर्चे आपके होने लगते हैं जिसके कारण आपको घाटा होने लगता है, और ये खर्चे भी एक्सीडेंट्स के कारण हो सकते हैं। E3, E4 एज यूजुअल बहुत अच्छी एंट्रेंस है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। E5 इतना अग्रेशन दे देगी जिससे आपकी सोसाइटी, आपके बिजनेस, आपकी लेबर के साथ में आपके झगड़े होने लगते हैं और फिर आप उनसे डिस्कनेक्ट कर जाते हो। E6 एक व्यक्ति का, ऑनर का बिहेवियर इनसेंसिटिव हो जाता है, इनटॉलरेंट भी हो जाता है, जिसके कारण आपको समस्या आने लगती है। E7 कमिटमेंट फेल होने लगते हैं लगातार, जिसके कारण समस्या आती है। जैसे मान लो मैं इतने दिनों में आपको माल दे ही दूंगा, इतने दिनों में हम आपसे माल ले ही लेंगे, इस तरीके के कमिटमेंट फेलियर, इतने दिनों में आपकी पेमेंट हो ही जाएगी, आपको प्रॉब्लम लेकर आते हैं। और E8 बड़े फायर एक्सीडेंट और लॉसेस होने के कारण घाटे लगते, फायर और एक्सीडेंट होने के कारण मेजर लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। अगेन E3 और E4 को ट्रीट किया नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छी है। E1 से E8 को ट्रीट किया जाता है या किया जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्टील स्ट्रिप या स्टेनलेस स्टील की पत्ती डालकर उसको ट्रीट किया जाता है। E8 इज द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो वहां पर कॉपर लगाई जाती है, बाकी सब में स्टील की पत्ती लगाई जाती है, जैसा हमने बेसिक्स में सीखा है। इन एट्रीब्यूट्स को याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सिर्फ ये नोट्स आपके पास हमेशा हो और उन नोट्स को देखकर आप किसी का क्या रिजल्ट आ रहा है या किसी के साथ में क्या भुगतान हो रहा है आप देख सकते हो। दूसरा क्या तरीका होता है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि सामने वाले से आपने बोला कि प्रॉब्लम क्या है या एंट्रेंस क्या है और उससे पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से भी चीजों को सॉर्ट किया जा सकता है।